जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आपन कक्षा अष्टम का विषय भूगोल है, अध्याय 3 है, खनिज और शक्ति संसाधन, जिसमें हमने कल खनिज संसाधन के बारे में तो पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे शक्ति संसाधन। क्या पढ़ेंगे? शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन का क्या अर्थ है? जो हमारे आसपास बिजली चल रही है, लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, गैस चल रहा है, हमें प्रकाश मिलता है, ये सारी चीजें हैं जो किससे होती हैं? ये शक्ति की वजह से हैं। शक्ति अर्थात ऊर्जा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण, शक्ति को ऊर्जा भी कहते हैं, और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है? संसाधन है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। किन किन के लिए? उद्योग के लिए, संचार के साधनों के लिए, परिवहन के लिए, और प्रतिरक्षा अर्थात देश की रक्षा से संबंधित भी हमें शक्ति संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत रूप में बांटा गया है, और ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ऊर्जा संसाधनों को दो भाग, एक है परंपरागत, और दूसरा है वो है गैर परंपरागत। क्या है? परंपरागत, गैर परंपरागत साधन, दो ऊर्जा संसाधन। परंपरागत के ऊर्जा के स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कौन से हैं? जो लंबे समय से और सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, ईंधन और जीवाश्म। क्या हैं? जैसे ईंधन कोयला, लकड़ी आदि, और जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम या कोयला, अन्य जीवाश्म ईंधन। अब ईंधन क्या है? अब शब्द आया है ईंधन। ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। अगर किसी चीज को पकाने के लिए या ऊष्मा, प्रकाश, जिससे प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, वह ईंधन कहलाता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग में की गई 50% से ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के कारण वे जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जीवाश्मी ईंधन क्या है? जो हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं, जो जब जमीन में दब जाते हैं, तो वहां पर गहराई में दाब व ताप की वजह से वो जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है, वह इसके निर्माण दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाला है। अब जो जीवाश्म ईंधन है, परंपरागत ईंधन के स्रोत हैं, इनका हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लगातार उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये खत्म होने के कगार पर हैं। क्या हैं? खत्म होने के कगार पर हैं, या खत्म होने की संभावना है। अब जो पहला ईंधन है, वो पहला ईंधन हमारा कौन सा है? वह है कोयला। पहला ईंधन जो हमारा परंपरागत में है वो है कोयला। कौन सा है? परंपरागत ईंधन में पहला है कोयला। कौन सा है? कोयला। यह बहुत जगह पर पाया जाता है और जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, भाप के इंजन में विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को
ताप ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप ऊर्जा कहते हैं, और ताप संयंत्रों में ये ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वस्तु विशाल फर्न और दलदल में से पृथ्वी की परतों से दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतहीर्त धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी रूप से कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मन, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। दूसरा है जो परंपरागत है वो है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है वो देखते हैं। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, जो तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इनका वेदन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसके बाद इसे परिष्करण साला भेज दिया जाता। तेल पहले है जो रूढ़ रूप में होता है उसको कहते हैं काला, और जो गाढ़ा होता है इसको कहते हैं क्रूड ऑयल, या कच्चा तेल। क्या? कच्चा तेल। इसको बाद में परिष्करणशाला जिसे हम कहते हैं रिफाइनरी में भेजकर इसको शुद्ध किया जाता है, जहाँ उनके अलग अलग उत्पाद निकलते हैं। रिफाइनरी में भेजने के बाद तेल भी कई प्रकार से मिलता है। रिफाइनरी में भेजने के बाद है जो उसे कई प्रकार से मिलते हैं, जिसमें जो उसमें डीजल आता है रिफाइनरी, डीजल, पेट्रोल, गैस, आपका केरोसिन, कॉल आदि से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को इसमें और भी एक चीज है कॉल, मोम और प्लास्टिक कुछ में भी मिलते हैं, और इनको काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक और सऊदी अरब हैं, जहां अन्य उत्पादक राज्यों में अमेरिका है, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया है। भारत में मुख्य रूप से असम के डिगबोई और बम्बई में बॉम्बे हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा में पाए जाते हैं। और जो तीसरा जो मुख्य ईंधन है वो तीसरा मुख्य ईंधन है वो है प्राकृतिक गैस। कौन सी है? प्राकृतिक गैस। कौन सा है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निष्पेषकों के साथ ही पाई जाती है, और तब निर्मुक्त होती है जब अप्रिक्षित तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी का डेल्टा और त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। हमने जीवाश्म ईंधन को है जो खत्म की ओर हो गया, खात्मे की ओर वो चला गया, तो ये हमारी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन पर अनियंत्रित जलना, अनियंत्रित टोटी के टपकने से होता है, अतः
अनंत सूख जाती हैं। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत के दोहन की ओर बढ़ाया जो जीवाश्मी ईंधन को ईंधनों के स्वच्छता विकल में। ये ईंधन की जगह अगर हम गैर परंपरागत लेंगे तब हैं जो हमारे यहाँ कई चीजें होंगी। तो हम कल जीवाश्मी ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।